सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग गाइज। फिलहाल जो है, जो अभी का व्लॉग है वो आप जो आप मतलब मेरी ये टी शर्ट देख रहे हो, यही का आप कल देखोगे, क्योंकि मैं आज ये अभी ही व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये अभी 5 बजे व्लॉग आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अभी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करी थी 4 बजे, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा ढंग से। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, रुको, कैसे दिखाऊँ, रुक जो, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो गाइस, अभी पूरा ढंग से 1 घंटा भी नहीं हुआ है और बताओ मेरे कितने व्यूज पहुंच गए उस पे। रुको एक सेकेंड, उस पे बताओ मेरे कितने व्यूज पहुंच गए हैं। उस पे मेरे 2K व्यूज पहुंच गए मेरे शॉर्ट्स पे, और जो कल डाली थी मैंने शॉर्ट्स उस पे भी कितने, 435, हाँ 435 के आसपास, मतलब मान लो 450 के आसपास व्यूज पहुंच गए थे। अभी पूरा मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो पूरा हैंग हो गया है, वहां पे व्यूज बढ़े जा रहे हैं, लोग देखे जा रहे हैं, अब अपडेट नहीं हो रहा। पर वो अभी अभी अपडेट नहीं हो रहा, वो जो है, जो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, उसके अंदर 2K दिखा रहा है। और वो होता है जो मेरी वो वाली शॉर्ट्स थी जो मैंने पहले अपलोड करी थी, और जो मैं पहले करता भी रहा, करी भी थी मैंने पहले भी, बहुत सारी करी है शॉर्ट्स अपलोड। उसमें भी ऐसा होता था कि जो व्यूज थे वो धीरे धीरे बढ़ते थे, पर जो अंदर की साइड जब हम एनालिसिस में जाकर चेक करते थे व्यूज, वह मैं आपको पता चल जाता था कि हमारे एग्जैक्ट व्यूज कितने हैं। बाद में वो अपना जितने, जैसे मान लो 100 व्यूज है, 114 व्यूज भी आ रखे हैं ऐसी है, तो वो उसमें बाद में पता चल जाता था हाँ कि इतने व्यूज हो चुके हैं हमारे। और वो बाद में फिर अपडेट होते रहते थे, जैसे पहले 10 अपडेट हो गए, फिर 15 हो गए, ऐसे ऐसे करके अपडेट होते थे। अभी मैं बताऊँ पूरा हैंग हो गया है, कितने 120 से ऊपर लाइक्स हो गए और 92 व्यूज पड़े हैं, ऐसे हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि 2K लोगों ने देख लिया है, बस वो अभी अपडेट नहीं कर रहा है यूट्यूब। अभी मैं व्लॉग अपलोड करूंगा ना, क्या पता ये भी व्लॉग ना अपलोड हो तो 5 बजे ना आके 5:30 आए तो भाई मतलब पता चल गया गेमिंग वगैरह के पे इतने ज्यादा वो आए नहीं मेरे व्यूज। सबसे ज्यादा व्यूज रिलीजियस के ऊपर ही आए हैं, तो रिलीजियस की ही आया करेगी आगे से, मतलब गेमिंग की भी आएगी, मैं ये मना नहीं कर रहा बिल्कुल ही, पर कम आएगी, रिलीजियस की ज्यादा आएगी। तो ये व्लॉग तो देखो यही तक था, आपको पता है चल ही रहे रोज ऐसे व्लॉग बन रहे हैं। हाँ एक बारी मेरे पेपर खत्म हो दो, एक बारी पेपर खत्म हो दो बस, फिर तो आपको ऐसे ऐसे व्लॉगों की लाइन लगा दूंगा, चाहे 1 महीने के लिए लगाऊं, फिर वापस से उन्हीं को रिपीट करूंगा। अब मान लो मैंने 1 तारीख को कोई आपको नई चीज दिखाई, ठीक है, अब वो मैं पूरे महीने कुछ और चीज आपको दिखाया जा रहा हूँ, कुछ और दिखा रहा हूँ, कुछ और कुछ और कुछ और, फिर अगले अगले महीने अगर मैंने आपको फिर से 1 तारीख को वो चीज दिखा दी, तो वो चीज जो है फिर वो बोरिंग नहीं लगेगी आपको। अभी पेपर खत्म होने दो, आज 6 तारीख है, 9 तारीख से मेरे पेपर स्टार्ट है, ठीक है, अभी मेरे को पढ़ने नहीं है, बस पढ़ ही रहा हूँ मैं, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर है, कंप्यूटर मेरे को आती भी अच्छे से, पर हाँ थ्योरी में मैं गलती कर जाता हूँ कभी कभार, सॉरी। तो बस 14 मार्च तक रुक जाओ, 14 मार्च को मेरे पेपर खत्म है, उसके बाद से 1-2 दिन मेरे को भी रेस्ट करने के लिए दे देना, उसके बाद से व्लॉग्स की, अच्छे अच्छे व्लॉग्स की लाइन लगा दूंगा। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और हाँ अभी इसके बाद वो लग जाएगी जो हमारी शॉर्ट्स थी। फिर मिलांगे कदे ना कदे, फिर मिलांगे मैं फुल बन्ना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना।